वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं जी तुहाडा वैद मलकीत। आपां इक लड़ी तोरी हुई है नुस्खे दसन दी, काम शक्ति वर्धक औषधियाँ नुस्खे जिन्हां नू उत्तेजना घट है, लिंग च ढिल्लापन आ जांदा सैक्स करदे समय, सैक्स नू दिल नहीं करदा, टाइमिंग दी कमी हैगी है, ते बीर्स दा पतलापन है, नसां दी कमजोरी आ चुकी है। हस्तमैथन हथ रस्सी करन नाल काफ़ी वीरां नूं जो प्रॉब्लम आई है, ये नुस्खा वरतन नाल 100% जो तुहाडी प्रॉब्लम हैगी ठीक हो जाएगी। ये नुस्खा जिन्हां नूं एक्सपीरियंस है थोड़ा मोटा आयुर्वेद का उही ही बनाउण, जो मेहनत कर सकते ने नुस्खे ते, जिन्नी तुसी मेहनत करोगे तुहाडे ते डिपेंड है इहदा रिजल्ट लैणा। दो दिन मेहनत करोगे, तीन दिन मेहनत करोगे तो तुहानू उन्ना ही इस नुस्खे का जो हैगा रिजल्ट मिलेगा। नुस्खा बहुत ही पावरफुल है, ये नाल तुसी ने खुराक जरूर खानी है, घी दुध मक्खन मलाई का सेवन ज़्यादा करना है, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। जिसने नुस्खा वरत लिया मुड़ के तुहानू कोई होर मेडिसिन वरतन की जरूरत नहीं पैनी, लखा रुपए का यह नुस्खा है इकला ही कम कर देगा। एक साइड तुसी लखा रुपए दी मेडिसिन खा लो, जिहड़े वैद कहिंदे ने मैं स्टाम्प ते लिख के दिना, लख रुपए की शर्त लगा लो, भी तीह तीह चाली चाली हज़ार के तुहानू नुस्खे चेपदे ने, लोग ठीक भी हो जाते होने, चलो वह गल वक्री है, पर ये तुहाडा कुछ क हज़ार रुपए के विच ही नुस्खा तैयार हो जू, पर 100% रिजल्ट वाला ये नुस्खा तैयार होएगा। बस सिर्फ तुहाडी जो मेहनत है, मेहनत जरूरी है, मेहनत करोगे दी मर्दनम गुणवत्ता। सब नू पता आयुर्वेद कहिंदा है जिन्ना औषधि नू घोटोंगे पीसोंगे खरल दे विच उड़ने उहदे गुण वधदे जाणगे। नुस्खा नोट कर लो, लौंग दे फुल, कस्तूरी पाउनी है तो पा सकते हो, अगर नहीं पाउनी तो ना पाओ, घट मात्रा च पा सकते हो। मोती पिस्टी भस्म मकर ध्वज केसर मोगरा अबरक भस्म शस्त्र पुटी लोहो भस्म लाल चंदन, ये तुसीं 3-3 ग्राम लेने ने। कस्तूरी लैनी चाहो तो लै सकते हो, अगर नहीं लैनी तो घट क्वालिटी से लै सकते हो, या फिर उसकी जगह पर अतुल शक्ति दाता योग तुम वरत सकते हो 3 ग्राम, बढ़िया कंपनी का। परवाल पिस्टी शिलाजीत आकरकरा स्वर्ण बंग, ये 6-6 ग्राम लेनी है। भीम सैनी कपूर लेना तुसी ने 4 ग्राम। सारिया औषधियों पीस के खरले दे विच पा के पान दे 100 तो 200 ग्राम रस दे विच इनू घोटना है, एक एक चमच पा के घोटते रहो, खरल करते रहो चंगी तरह, किसी मजबूत खरल जो ना घसदा हो। उस तो बाद जो ये सुक जे रस जज्ब हो जाए ये फिर तुसी ने विदारी कंद का रस पाउणा है, जां सव रस तुसी इहदे विच पा सकते हो। अगर तुहानू सव रस नहीं तैयार करना दा तां तुसी फोन ते कॉन्टैक्ट कर लो, अगर तुहानू कुछ होर चीज़ ना समझ आई होवे हैल्प लै सकदे हो, कोई दिक्कत वाली गल नहीं, वट्सअप ते मैसेज कर सकदे हो। साबनू तुसीं घोट के चंगी तरह इन्हां दीआं गोलियां बना लैणियां ने चने दे बराबर दीआं, सवेरे शाम एक गोली सवेरे एक शाम नू तुसीं ने खानी है। धातु पौष्टिक चूरण 1/2 चमच, एक गिलास मिश्री मिले दुध नाल, मिठा अपना टेस्ट अनुसार रख लिओ। एक गिलास दुध नाल तुसीं सवेरे शाम सेवन करनी है, ज़्यादा ठंडा गुनगुना होवे उस नाल सेवन करो लगातार तुसीं ये पूरा नुस्खा, तुहानू होर भी नुस्खा खाण की जरूरत नहीं पैनी, बहुत ही पावरफुल नुस्खा है। यह नुस्खा काफ़ी ओल्ड एज के वैद ने उन्हां तों लिया गया नुस्खा, एक पहला आपां होर दस्सिया सी वह भी बहुत पावरफुल नुस्खा सी, अपने टाइम से उन्होंने बहुत बनाया नुस्खा, ये भी अपने टाइम के विच उन्होंने बहुत जिहड़े सीरीयस केस सी नहीं ठीक होंदे सी उन्हां नूं ये नुस्खा बना के दिता सी वैद साहब ने, काफ़ी ओल्ड एज दे ने, मन के चलो 90-95 एज होनी उन्हां दी, बहुत पावरफुल नुस्खे ने उन्हां दे आपां नूं दित्ते हुए ने, उन्होंने लिख के दिते सी, वो तुहानूं आपां लड़ीवार दस्सदे जावांगे।
ਐਵੇਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਕਾਫੀ ਵੈਦ ਵੀਰਾਂ ਵੈਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ, ਦੋ ਤਿੰਨ ਵੈਦ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਓਲਡ ਏਜ ਦੇ ਵੈਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ੍ਰੰਥ ਵੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਖਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨਲ ਡਾਇਰੀਆਂ ਸੀ ਦੋ ਵੈਦਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਤਕੜੇ ਵੈਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਤਕੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖਿਆਂ ਦੇ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਹੋਰ ਵੈਦ ਵੀਰਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਨੁਸਖਾ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਤਾ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਮਿਲਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੁਸਖੇ ਜਾਣਨ ਲਈ, ਪੁਰਾਣੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੁਸਖੇ ਅਸਰਦਾਰ ਨੁਸਖੇ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਣਾ, ਘੰਟੀ ਦਾ ਆਇਕਨ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਬ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵੱਧਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਕ ਨਾਲ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।